शराब के दर्जनों कैन की फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर लिया है। तोबा टेक सिंह में जहरीली शराब का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में अब तक 23 अफराद हलाक हो चुके हैं। 92 न्यूज ने बंद कमरे में शराब पैक होने का सुराग लगाया है। शराब के दर्जनों कैन की फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर लिया है। 92 न्यूज के नुमाइंदे मुनव्वर इकबाल इस वक्त उसी कमरे में मौजूद हैं जहां ये जहरीली शराब पैक की जा रही थी। जी मुनव्वर, क्या बताएंगे, क्या मंजर देख रहे हैं इस वक्त आप कमरे में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला मुबारकाबाद के अंदर, जहाँ पर जहरीली शराब है उसके पीने से 23 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस ने नामलूम अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन पुलिस जो है अभी तक जो है टोबा टेक्सिंग सिटी जो थाना है उसकी सो रही है, उसको यही अभी तक नहीं पता चला कि शराब जो है वो कहाँ से आई है और वो उसको कहाँ पर ला कर पैक किया गया है। लेकिन 92 न्यूज़ जो है वो हकायक जो है वो अपने नाजरीन को दिखाता रहेगा और उस कमरे तक जो है अपने नाजरीन को ले आया जहाँ पर जो थाना चटियाना से शराब आई है और इस कमरे में लाकर जो मोहल्ला मुबारकाबाद के एक कॉर्नर पर वाकई है इस पर लाकर पैक की गई है। ये वो कैन है जो थाना चटियाना से निकाला गया था और उसके बाद जो है ये शॉपर्स के अंदर, यहाँ पर शॉपिंग बैग जो होते हैं उनके अंदर शराब को पैक किया गया और पूरे मोहल्ले मुबारकाबाद के अंदर जो है इस शराब को फैला दिया गया। जो जो शख्स इस शराब को पीता गया उसकी हालत गैर होती गई। जो शराब थी वो थाना चटियाना से लाई गई थी, थाना चटियाना का वो अहलकार था जो यहाँ पर शराब लेकर आया, जो थाना चटियाना का अहलकार जो है शराब लेकर आया उसकी भी इस शराब पीने से हलाकत हो चुकी है, लेकिन वो शराब जो थी पुलिस के पास थी वो वहां से कैसे निकली, इस कमरे तक कैसे पहुंची, ये 92 जो है हकायक जो है आपके सामने ले आया, अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर इकबाल इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। टोबा टेक सिंह में गुज़श्ता शब यह वाकया पेश आया था, जहरीली शराब पीने से अब तक 23 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आपको हमने दिखाया वो कमरा जहां पर शराब पैक हो रही थी। शराब के दर्जनों कैन की फुटेज 92 न्यूज ने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। आपने ये देखा कि कहां पर यह शराब रखी गई थी। इस बारे में पुलिस मजीद कार्रवाई भी कर रही है।